Hi all, good morning and welcome back to my vlog. This is Srishti Rathi and this is day 2. हम लोग ने लगभग पैकिंग अपना कर लिया है. इन मैडम को जुखाम हो गया है. अभी हरिद्वार में ही है, इनको जुखाम हो गया है, लेकिन ठीक है, ओके है. थोड़ा पहले से मेडिसिन लिया है. फिलहाल हम लोगों ने पैकिंग कर लिया है. इट्स लाइक 4:30 इन द मॉर्निंग. हमें 4:45 तक बस स्टॉप पे पहुंचना है क्योंकि 5:15 बजे अपनी बस है. हाफ एन आवर में हमको पहुंचना है. तो अब बस हम चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं बस स्टैंड पे, और फिर आज हम लोग निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए. तो डे 2 है, तो बाकी की डिटेल्स मैं बस में बैठ के बताती हूँ आपको. फाइनली हम लोग बस में आ गए हैं, बिल्कुल बैठ गए हैं. सबसे पहली सीट है हमारी सीट 182. ये बाहर का व्यू है. बस फिल हो रही है और फिर हम लोग निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए. This is the view. सवा 11 हो रहे हैं और अच्छी सी धूप आ गई है. जैकेट्स मेरी उतर गई हैं क्योंकि गर्मी लगने लग गई थी. और अभी केदारनाथ दिखा रहा है. इट्स लाइक 75 किलोमीटर्स टू केदारनाथ. ये तो अलग ही नींद में है. थक गई. लेकिन नींद अच्छी आ रही है. कुछ भी को बस की नींद का बात ही अलग है. पता नहीं कौन सी अनजान जगह पे हैं हम, बट रेस्ट करने के लिए उतरे हैं, थोड़ा पैर सीधा करने के लिए. धूप हो गई है बट अच्छा लग रहा है. एक एंड दिस इज द व्यू. फाइनली आई एम इन अ कार राइट नाउ, क्योंकि जो बस हमने करी थी टिल सोनप्रयाग वो सिर्फ सीतापुर तक की ही जाती है और उसके आगे बसेज अलाउड नहीं है. तो हमने ये टैक्सी करी है विच टेक्स लाइक 50 रुपीज पर पैसेंजर, और ये हमको गौरीकुंड तक पहुँचाएंगे जहाँ से हमको सोनप्रयाग तक पहुँचाएंगे जहाँ से हमें गौरीकुंड के लिए आगे टैक्सी मिलेगी. तो हम अपना सामान लाद के बैठ गए हैं इधर. और भैया यहाँ से कितना दूर है? वो सामने. आइडली सामने ही है, लाइक 1 किलोमीटर है, लेकिन सामान इतना भारी था सो वी थॉट कि हम टैक्सी ही लेते हैं. 1 किलोमीटर एक से ज्यादा है तो भैया बोल रहे हैं 1 से ज्यादा है तो होगा ही ज्यादा. तो अब आगे जाते हैं और गौरीकुंड के लिए फिर दूसरी टैक्सी चेंज करेंगे एंड देन गौरीकुंड पहुंचेंगे. दिस इज सोनप्रयाग की मार्केट और अब हम लोग पैदल जा रहे हैं टैक्सी लेने के लिए फॉर गौरीकुंड. भाई बहुत सामान है. अभी हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर आर वेरिफिकेशन. जो भी हमने रजिस्ट्रेशन कराया था तो यहाँ पे वो वेरीफाई होगा. ये पूरा लाइन लगा है एंड आपके आधार कार्ड चेक होगा एंड प्लस योर वेरीफाई एंड प्लस आपका वेरिफिकेशन होगा रजिस्ट्रेशन का एंड देन वहाँ से हम लोग को मिलेगा अपना टैक्सी. चले. अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर किया है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जो भी सर्टिफिकेट है वो दिखा के आ सकते हो, अदरवाइज आपको वहाँ पे जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा. राइट. तो इसलिए आप बेटर है कि आप रजिस्ट्रेशन करा कर आइए और ऐसे प्रिंट आउट लेकर आइए. लाइन में लगना पड़ेगा. राइट. लंबी लाइन. हाँ.
ऑफिशियली हमारा केदारनाथ धाम में स्वागत हो रहा है। यहाँ से अब हम केदारनाथ धाम में एंटर कर रहे हैं। फाइनली हम लोग टैक्सी में लदे हुए हैं गौरीकुंड के लिए। बहुत ही ज्यादा भीड़ है इस टैक्सी में इन इटसेल्फ। 12 लोग घुसे हुए हैं और मैं मीनाक्षी आगे बैठे हुए हैं। मैं कह रही हूँ मेरी गोदी में बैठ जाओ। गाइस गौरीकुंड पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली गौरीकुंड नहीं उतारा टैक्सी में, थोड़ा 1 किलोमीटर पहले उतारा। और इतने सामान की चढ़ाई, इतने सामान को लाद के हम लोग 1 किलोमीटर चढ़ गए हैं। अब हम लोगों को होटल ढूंढना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने एक बिजनेस के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने यहाँ सेटअप किया था कुछ सालों पहले। आज वो सीक्रेट रिवील करती हूँ। ये है वो बिजनेस, सृष्टि मेडिकोज। तो कोई भी आए मेरा नाम यहाँ ले सकता है, मेरा नाम यहाँ ले और आपको सुविधा मुफ्त में प्राप्त होगी। दिस इज गौरीकुंड पूरा पूरा वादियों के बीच। अब इसमें हम लोग को होटल ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे हमारी होटल बुकिंग है नहीं। तो जाते हैं होटल ढूंढते हैं, सेटल होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उससे पहले ये चाट, वेरी नाइस मीनाक्षी। उससे पहले ये है चाट जिसमें सारे आपके रेट्स हैं। रुकिए मैं पास से दिखाती हूँ। ये सारे प्राइजेज हैं, कहाँ से कहाँ तक, किस दिवस, किस दूरी, क्या वजन, क्या योग, क्या वजन के अकॉर्डिंग क्या उसके प्राइजेज हैं, वो सारा यहाँ पे। एंड ये गवर्नमेंट प्राइजेज हैं, तो आप इसी को फॉलो करके घोड़ा, खच्चर, जो भी आपको लेना है वो सब आप यहाँ से बुक कर सकते हो। फिलहाल हम होटल ढूंढते हैं और फिर बात करते हैं। सो फाइनली हम लोग ने होटल में चेक इन कर लिया है और बहुत मुश्किल से हमको होटल मिला। बहुत भीड़ थी और बहुत ढूंढने पे ये होटल मिला है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, दिखाती हूँ। यहाँ पर वॉशरूम है एंड दिस इज इट, ये देन गेट एंड देन दिस इज द बेड। ये होटल है, होटल का रूम है एक्चुअली। और नहा लिया मैंने क्योंकि बहुत लाइक गंदा 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 वाला फीलिंग आ रहा था। और अपार्ट फ्रॉम दिस सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करती हूँ एक बार खाना खा ले, क्योंकि सुबह का बस पोहा और कॉफ़ी ही पिया हुआ है। अभी खाना ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे, फिर एग्जैक्टली क्या कैसे हुआ आज वो मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। दिस इज द व्यू पूरा। सी ये पूरा व्यू है। वैसे यहाँ से नदी की धारा निकलती है पर नदी अभी नहीं दिख रही है, नीचे दिख रही। सी ये नदी हमारी और ये है पूरा व्यू यहाँ से। एंड तो बस फिर खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स बताते हैं कैसे क्या है। और कल हमारी प्रॉपर ट्रैकिंग शुरू होगी, उसके लिए भी आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। मिलते हैं पेट पूजा के बाद। ये हम लोगों ने मंगाया है पानी वाली मैगी और कॉफ़ी। फाइनली अभी 5 o'clock हो रहे हैं तो हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स टाइप मंगा लेते हैं और खाना रात में खाएंगे, क्योंकि खाना स्किप कर नहीं सकते, कल चढ़ाई करनी है। तो मैगी मंगा लिया और वो इतनी रद्दी मैगी है कि बस पूछो मत। तो अब जैसे तैसे ख़त्म करते हैं और फिर हम लोग निकल रहे हैं बाहर। हम लोग को रेनकोट लेना है, हम लोग को बैक कवर लेना है और डंडा लेना है जो हमारा सपोर्ट बने और जिसके सपोर्ट से हम चढ़ाई करें ऊपर। तो खाते हैं और जाते हैं, फिर दिखाते हैं। हम लोगों ने खा पी लिया है, अब हम लोग अच्छे से स्वेटर डालकर जा रहे हैं। और मीनाक्षी कुछ डायलॉग मारी थी, मार दे मीनाक्षी, मार दे प्लीज। सिर्फ आपके लिए था बोलना। तो मीनाक्षी बेसिकली ये कह रही थी कि मेडिसिन, हम लोग ना पूरा भर के मेडिसिन लाए हैं कि इमरजेंसी के लिए, लेकिन हम लोग ने अभी तक यात्रा शुरू नहीं करी और फिर भी हमारा कोल्ड का जो हम लोग लाए थे 6-7 टैबलेट्स लाए थे कोल्ड में खाने के लिए
चेस्ट एंड कोल्ड वो हमने खत्म कर दिया है। इसको कल से आई थिंक कोल्ड लग रहा है, मेरे को अभी लग रहा है जस्ट आने के बाद, नहाने के बाद। तो अब हमें वापस से कोल्ड की मेडिसिन खरीदनी पड़ेगी। तो वही है कि हम इमरजेंसी के लिए लाए थे, अभी तक हमने चढ़ाई भी शुरू नहीं करी, अभी तक हमने दवाइयां खा खा के खत्म कर दी है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सामान लेने, तो दिखाते हैं आपको। बहन रुक, खोलियो मैं, ठंड लग रही है। बात बताओ, तुमको मोहब्बत है कि शाहरुख खान वाली फीलिंग नहीं आ रही है मेरे को देख के? राज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर दो। हरी टन है अपनी कल के लिए, रेनकोट एंड डंडे और व्यू देख लो। ये है गौरी कुंड जहाँ पर हमारी होती है पूजा, और वहाँ उस तरफ लोग स्नान करते हैं, इधर लोग स्नान करते हैं, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, और मंदिर आगे है, मंदिर भी दिखाते हैं। ये है गौरी माँ का मंदिर, और यहाँ पर है शिव जी का मंदिर। और ये है स्टोरी केदारनाथ की। बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिनर खाने का मन था, पर इतना सिंपल आ जाएगा सोचा नहीं था। दाल फ्राई मंगाई थी, पर ये ठीक है, दाल है, रोटी है, और ये चिली पनीर मंगाया था, बट पनीर कम और सैलेड ज़्यादा है। ठीक है, मैनेज करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट है ये दूध। तो मेरे को यहाँ पे गरम गरम दूध मिल गया, और ये सबसे अच्छी चीज़ है, आई लव दिस। गाइस, कल व्लॉग एंड करना मैं भूल गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और सो गए थे हम लोग। तो आइडली हम लोग कल घर आके हमने डिनर किया, एंड देन वी टुक रेस्ट। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो बस में पर पर्सन इट वॉज 1000 रुपी प्लस टैक्सेस, जो हम लोगों ने बुक कराया था। देन अगर किराए की बात करें तो हमने दो बार टैक्सी ली, तो उसमें भी पर पर्सन आपका 50 रुपीज जाएगा। और बस ने हमको सीतापुर उतारा, डायरेक्टली सोनप्रयाग नहीं उतारा। तो सीतापुर से हमने लाइक 1 किलोमीटर या बट हम पे सामान था, तो हमने टैक्सी करा वहां तक का जहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन होता है। एंड देन वेरिफिकेशन से थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ पे वेरिफिकेशन होता है वहां से आगे जाएंगे, तो हमको फिर से टैक्सी करना रहेगा फॉर गौरीकुंड। लेकिन गौरीकुंड में भी वो लोग आपको एग्जैक्टली होटल्स के आगे या गौरीकुंड में नहीं उतारेंगे, वो बाहर ही छोड़ देंगे। वहां से आपको लगभग 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा चल के, एंड होटल मतलब अपने होटल तक अगर आपने बुकिंग करा है, अदरवाइज आपको होटल्स देखने पड़ेंगे। खाने की बात करें तो खाना कॉस्टली है और इतना अप टू द मार्क नहीं है। हम लोगों ने रात में भी मंगाया था, स्नैक्स में भी आपने देखा मंगाया है, तो इट वॉज लाइक ओके बट कॉस्टली है। तो आप खाना बहुत ही लाइक सोच समझ कर ही देखना कि क्या खाओ। एंड देन लाइक बेसिक हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी वो ली, एंड देन वी स्लेप्ट। तो आइडली वही अपना दिन था, मतलब सेकेंड डे पे भी अपना इतना खर्चा नहीं हुआ है। इट डिपेंड्स कि आप कितना खा रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं। सो इसी नोट पे मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, विच इज day 3, जहाँ पे हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगी केदारनाथ के लिए, विच इज लाइक 22 किलोमीटर्स। सो उसके लिए एनर्जी गेन करना है हम लोग को, तो बस अभी रेडी हो ही रहे हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। सो बाय बाय, एंड बी प्रोग्रेसिव इन योर लाइफ।